हेलो गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी है सेफ और सुरक्षित है। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से आप सभी को एक बार तहे दिल से छठ पर्व की हार्दिक और तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों आज का जो व्लॉग है ना, पारण का व्लॉग है, मतलब छठ पूजा का जो आखिरी दिन होता है जिसको कि पारण कहा जाता है, तो पारण का व्लॉग है। और अभी सुबह के 4:15 हो चुके हैं, 4:30 ऑलमोस्ट। तो मैं जो सोया हुआ था तो उस टाइम भैया और भाभी जो है वो जो दौरा जो उठाया था उन्होंने वो दौरा लेके लोग घाट पे प्रस्थान कर चुके हैं, जा चुके हैं। और सेंस होता है क्या कि घाट पे कुछ फॉर्मेलिटी होती है, पूजा होता है तो वो करना होता है, तो इसलिए वो लोग पहले जा चुके हैं। हम लोग बस पीछे से रेडी होकर के फिर जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। और तो जितने बड़े हैं वो लोग जाएंगे, रेडी होना है। और रेडी होकर बस कुछ नहीं कर, सुबह गांव में है तो गांव में ठंड एज़ कम्पेयर टू सिटी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, बट अभी ठीक है, बेरेबल है, क्योंकि ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे अगर उतना नहीं लग रहा है, यानी कि अभी ठंड उतना नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब प्लेजेंट है। बट बाहर जो है बहुत फॉगी है, अभी बाहर दिखा भी नहीं सकता हूँ, बाहर आपको दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं, रेडी होते हैं। रेडी क्या होना है, बस मुझे नहा लेना है गर्म पानी से। एक तो चापाकल का पानी है, और चापाकल का पानी ऐसे भी थोड़ा सा गर्म होता ही है, बट लेकिन कोई रेस्ट नहीं लेना है, चापाकल के पानी अभी गर्म पानी मिलाना है। तो चलिए पहले रेडी हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, फ्रेश हो तैयार, और अब सीधा घाट पर चलने की तैयारी। लेकिन बाहर एकदम अंधेरा है, कोशिश करूँगा दिखाने का फ्लैश लाइट के थ्रू, अगर कुछ समझ में आ पाए तो ठीक है। तो चलिए जैसा है वैसे आप ही देखिए। और हाँ मैं फिर से बोलूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो बगल में जो बेल आइकन है ना, घंटी घंटी ज़रूर बजाइएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं घाट की तरफ। अभी मैं बाहर हूँ, एकदम खूब अंधेरा है। अगर आपको मैं 360 डिग्री व्यू कर दूँगी, देखिए पीछे तो बस घर है, वो लाइट जल रहा है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा लाइट जल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे घूम के देखेंगे पीछे तो कहीं कोई लाइट नहीं, पीछे एकदम खूब अंधेरा, एकदम सुनसान और एकदम उतरी है रात। ठंड उतनी नहीं है क्योंकि अगर ठंड बहुत हो तो हाथ में ग्लव्स चढ़ जाते मेरे, अभी धुआं निकल रहा है मुँह से, बट प्लेजेंट मौसम है। मुझे थोड़ा ठंड ज़्यादा लगता है सर पे, इसे मेरा सर ढका हुआ है अपना। और एकदम खूब अंधेरा, कुहासा भी है, फॉगी भी है। और बस वहाँ पे दूर में कोई लाइट है एक गांव का, वो जल रहा है। चलिए बाइक बैठ के निकलते हैं क्योंकि रात है, तो बस पैदल जाएंगे नहीं क्योंकि खेत खेत से कल जिस रास्ते से गए थे वहाँ से जब तक टॉर्च नहीं रहेगा वैसे ज़्यादा सेफ नहीं है। तो भैया और भाभी जो टॉर्च के साथ लोग चले गए, मैं भीम के साथ जा रहा हूँ बाइक पर। चलते हैं, चलिए घाट पे चलते हैं, वहाँ क्या नज़ारा दिखाऊँ। वहाँ पे लाइट थोड़ा बहुत होना चाहिए, वहाँ पे इनफैक्ट होना तो चाहिए, वहाँ पे तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ के मुखिया जी ने, प्रिंस जी ने। तो हम लोग बाइक से निकल चुके हैं दोनों भाई, और मस्त मौसम है, पैर में मोजा नहीं तो हल्का ठंड लग रहा है, बट ठीक है। जल्दी क्या होता है, ठंड मेरा सर और पैर बचाना होता है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट एरिया होता है, वहीं से ठंड किसी को भी लगता है, ठंड जो होता है ठंडी लगे किसी को तो पैर और सर से ही होता है, तो बचाना होता है। बट अभी ठीक है, प्रेजेंट है, वैसा भी कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है। अभी हमारे साथ मज़ा लीजिए और चलिए नज़ारा देखिए, आप भी गाँव का क्या नज़ारा, क्या मंजर है। और यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा नहीं, तो बस जो भी आओगे वो मैं दिखाऊंगा आपको, बाकी बातें घर में चल के। तो आप यहाँ जो पूजा होता है उसका सारा जो विधि विधान है वो देखिए।
पारण की जो विधि है, जो पूजा है, वो अच्छे से संपन्न हुई। और इसी के साथ लोक आस्था का महापर्व कहा जाने वाला जो छठ पर्व है, आज वो ख़त्म हो गया। ये हर साल आता है, हर साल लोग ऐसी हर्षोल्लास कर मनाते हैं। और मैं फिर से दुआ करूँगा कि छठी मैया आप लोगों के जीवन में हर्षोल्लास रहे और अच्छा आप तरक्की करते, लाइफ में खुशहाली है आपकी ज़िंदगी में, ऐसी मैं कामना करता हूँ। छठी मैया आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और बस अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बोरा इसके अंदर चादर है बिछाने वाला, जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। अभी रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, अभी और थोड़ा टाइम है। अभी यहाँ पर जब जैसा नहीं ख़त्म हुआ तो फिर सीधा पटना। घर आ गए, फिर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मछली लाने। तो पारण के दिन ना मछली खाने का शुभ माना जाता है पारण के दिन। हालांकि छठ के दिन कोई नॉनवेज सोचता भी नहीं है, लेकिन जो लास्ट दिन पारण के दिन है, मछली शुभ माना जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मछली लाने के लिए, और आज मस्त मछली बनेगा यहाँ पर। तुरंत नहीं निकलना है, निकलेंगे पटना आराम से खा पी के, क्योंकि अब अभी पहुँच वैसे कुछ करना है नहीं। सारा दिन तो आज ऐसे खाली खाली रहेगा, तो यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड करके खा पी के यहाँ से निकलेंगे, फिर गांव जाएंगे अपने बेरी, और फिर वहाँ से भी पटना की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और इस गांव सुल्तानपुर गांव की एक और ख़ासियत है, वो ख़ासियत मैं बताऊँगा आपको आने के बाद, वो मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको मेरे जो भैया इंडियन आर्मी से जो रिटायर किए हैं मनीष कुमार सिंह चिंटू भैया, वो बताएंगे आपको, उनसे मैं सुनवाऊंगा आपको। तो चलिए मछली लेके आते हैं, मतलब मछली लेने चलते हैं फिर लेके आते हैं। चलिए, पेड़ से ताज़ा ताज़ा फल तोड़ के खाते तो सुना होगा, चाहे खेत से सब्जी तोड़ के खाते सुना होगा, लेकिन यहाँ मछली तालाब से मछली मार के आ रहा है और लेके जाएंगे, मतलब ताज़ा ताज़ा मछली। एक तो होता है कि भैया मछली मार के लोग लेके आते हैं और बेचते हैं, लेकिन यहाँ सामने लेके आ रहा है, सामने ख़रीदारी हो रही है, वहाँ मछली मारा जा रहा है और वही मार करके लोग यहाँ पे लेके आएंगे। अभी आया नहीं है, आने वाला है, वो वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं। जैसे लेके आते फिर मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने मछली अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया, बस मतलब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फ्रॉम रिवर टू टमी, गजब। मतलब इसे कहते हैं फार्म फ्रेश। जितने भी जो मछली बेचने का जो ऑनलाइन साइट्स हैं, लिशियस हो गए या फिर और भी कुछ हो गए, वो ये चीज़ डिलीवर तो नहीं कर पाएंगे, या जितने भी जो प्रोसेस फूड जो बेचते हैं खास करके नॉनवेज में पोल्ट्री में, वो ये चीज़ नहीं डिलीवर कर पाएंगे बहुत। मतलब और मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार ऐसा देखा है कि मतलब नदी से मछली मार करके गांव का ये मज़ा होता है, जिसलिए गांव से जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साल में एक आध ऐसा मौका मिलता है तो उस मौके के साथ उठाना चाहिए। और बस हरियाली तो आप देख ही रहे होंगे, कितना हरियाली है यहाँ पर, मतलब शहर के धूल झाकड़ से दूर, मतलब बता नहीं सकता, बहुत मज़ा आ रहा है। आज का दिन मतलब बस इन्जॉयमेंट का है, इन्जॉय कर रहा हूँ, आप भी इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है कि मछली आपको, बट कैमरे में ना मछली का जो साइज़ वो जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा कैमरे में, बिकॉज मछली बहुत बड़ा बड़ा है। हमने जो मछली लिया वो 3 किलो का मछली है, और कलकत्ता का तुम क्या बता रहे थे? कलकत्ता में 750 रुपये किलो, 250 रुपये किलो दिया। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का जो मंडी जो ये लगा, अब यहाँ पे एक रेट फिक्स हो गया। यहाँ पे जैसे ये बड़ा मछली 250 रुपये किलो दिया,
छोटा वाला कोई 40 रुपए किलो पे 60 रुपए किलो, अब ये मार्केट में जाएगा तो साग का 150-240 का सौ 150-280 हो जाएगा, 250 का 350-400 ऐसे हो जाएगा। तो मतलब इस टाइप से होता है ये खरीदारी यहाँ पे, मतलब मजा आ गया। मतलब आपको मेरे चेहरे की हंसी बयां कर रही होगी, मैं कितना खुश हूँ और अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ चीज मैंने देखा है। और आपने शेयर किया 8-8 किलो का भी मछली था उसमें, पता नहीं मतलब बोल नहीं पा रहे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक कहावत है, अक्सर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और उसे लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बड़ी मछली के अंदर में ये छोटी मछली, भैया भैया मछली दिखाइए, छोटी मछली सी ऐसे की जैसे यहाँ ऐसे कट, हाँ ये रहा। पापा ये बड़ी मछली के अंदर छोटी मछली खा हुआ है, मतलब मछली काटने पर पूरा जब जो झटके चले, बिकॉज मंडी में क्या ना मछली बस आपको ऐसे दे देता है वो, क्योंकि वो थोक वाला है, और फिर मार्केट में जाके जो लोग हैं वो काटते हैं, तो वहाँ पे क्या मछली हमने डायरेक्ट खरीद लिया और अब घर पे मछली बन रहा है, उसको बनाने में बहुत जद्दोजहद चल रहा है, तो उसी को दिखा कि बड़ी मछली के अंदर छोटी मछली है। चलिए मछली बन रहा है, मजा लीजिए साथ में, आप भी देखिए देखिए कैसे बनता है सारा। अपना है, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ की खासियत बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, जो मनीष भैया मेरे चिंटू भैया जो कि एक्स इंडियन आर्मी से है वो बताएंगे आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, मछली अपना काम लगी है उस पर, फ्राई हो रहा है, बन रहा है, लौट के आएंगे तो फिर मछली पे फिर फोकस करेंगे। अभी जो यहाँ की खासियत है वो, तो हम लोग बढ़ रहे हैं एक जगह पे, वहाँ चल के आपको मैं बताऊंगा, भैया बताएंगे। अच्छा भैया आप किस रेजिमेंट में थे आप? हम ईएमई में कोर में थे, ईएमई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंजीनियर में। अच्छा, और उसी पोस्ट से रिटायर किए हैं? हाँ, उसी से आ गए, हम आ गए 17 साल हवलदार से आ गए हैं। अच्छा, फिर वहाँ से रिटायर हो गए फिर? हाँ, रिटायर ले लिए हम, कलर सर्विस करके हम वापस आ गए घर। मतलब वीआर लिए, वॉलंटियर रिटायरमेंट? कलर किए, वीआर होता है। हाँ। जो 15 साल 3 महीना में अपना पेंशन जो सरकार के तरफ से दिया हुआ, लेकिन हमने गुड सर्विस किया। अच्छा, गुड सर्विस किए और उसको बोलते हैं कलर सर्विस। अच्छा, तो कलर सर्विस करके हम वापस आ गए घर, 17 साल 2 महीना हमने सेवा दिया इंडियन आर्मी में। अब हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, अगेन इंडियन आर्मी से, छोटू सिंह भैया है और ये चिंटू भैया के कलीग है, ये रिटायर्ड है और ये अभी कार्यरत है, अभी अभी पोस्टेड है। आप कहाँ पोस्टेड है छोटू भैया? हम गलवान में पोस्टेड हैं, KM20 बोलते हैं उसको, वहीं पे पोस्टेड हैं। अभी नया हॉस्पिटल खुला है। अच्छा, वही हॉस्पिटल में अभी हम पोस्टिंग गए हैं, आर्मी मेडिकल कोर में है। अच्छा, AMC कोर में। 2255 फील्ड अस्पताल वहाँ पे बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फील्ड अस्पताल में हम 3 अप्रैल को पहुँचे हैं वहाँ पे, तब से अभी चल रहे। चलिए, तो जो बात जो मैंने आप बोला था वो बात बताएंगे। तो आप जो पीछे की द्वार देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा सही है, इस द्वार को बोलते हैं, अभी बस बन ही रहा है, सरकार बना रही है इसको, इसका नाम है अमन द्वार। अब अमन द्वार के बारे में क्या खासियत है, क्या है वो आप लोग तो बताइए, कौन बताएगा, आप बताइएगा कि छोटू भैया बताएंगे? ठीक है, तो ये छोटू भैया को भैया बोले, छोटू भैया बताएंगे गलवान के बारे में, बता देगा हम यहाँ के बारे में बताइए। तो ये अमन द्वार के बारे में क्या खासियत? अमन द्वार है, अमन मेरे साथ भर्ती हुआ था, एक ही साथ हम दोनों फिजिकल मेडिकल रिटेन सारा प्रोसेस करके एक साथ ज्वाइन किए थे। वो बिहार रेजिमेंट में चला गया था, हम मेडिकल कोर में चले गए थे। ठीक है, उसके बाद हमको भी रात में
एकाएक पता चला जी अमन को ऐसे ऐसे हुआ है। तो अमन के बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा, अमन के बारे में, अमन कौन है, उनके साथ क्या घटना घटित हुआ, कहाँ वो घटना घटित हुआ, और आप भी उसी जगह पे वो भी बताइएगा। अमन वहीं पे गलवान में पोस्टेड था, 16 बिहार में अमन था, 16 बिहार में अमन था। थोड़ा सा झड़प के कारण वो लोग थोड़ा ये हुआ, उसके बाद हमला करके ये लोग पे भारी पड़ा, वो अपना 20 जवान उसमें वो हुआ था, शहीद हुए थे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत चर्चित हुआ था गलवान वैली में जो 20 लोग जो मरे थे, उसमें से एक जो शहीद हुए थे हमारे इसी गांव के थे, शहीद अमनपुर में, पूरा नाम क्या था, अमन कुमार सिंह। शहीद अमन कुमार सिंह, तो ये उन्हीं के नाम पे सरकार ने ये बना है अमन द्वार। अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, लिखा जाएगा अमन द्वार और सारे जो भी फॉर्मेलिटीज होती है। तो इस गाँव से एक शहीद हुए है, शहीद अमन कुमार सिंह जी। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से कितने सारे लोग गए हुए हैं इंडियन आर्मी में। और भैया आप भी तो अमन को जानते हैं, अभी तो सब रहे, तो आप कुछ बताएंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अमन के साथ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था? एक्चुअल हम अमन के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि वो बचपन में हम उसको गोदी का खिलाया हुआ, हम 17 साल वो 5 साल सर्विस करके बेचारा वीरगति को प्राप्त किया। चाइना के युद्ध में, जो गलवान में युद्ध हुआ था, झड़प हुआ था, वो लोग 2000 सेना था, हमारा 20 सेना, और हम लोग उसके ऊपर बहुत भारी पड़े थे अपना रहते हुए। उसी झड़प में हमारे अमन वीर गति को प्राप्त हुए, चयनित सैनिक को दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त किए, और हमको बहुत गौरवान्वित है कि उस बच्चे पर गौरवान्वित है कि आज वो शहीद हो गया और उसका नाम पूरे भारत और दुनिया में भी छा गया, और सुल्तानपुर पुरवारी टोला तो हमारा अमर ही हो गया। सही बात है। और अमन का अभी रास्ता मार्ग के लिए हम लोग वो कर रहे हैं जो सरकार किए हैं। अच्छा। सड़क मार्ग वो भी बन रहा है, कुछ रुकावटें हैं, वो बनाया जाएगा, दूर किया जाएगा, उसको बनवाने का कोशिश में लगे हम सरकार से, वो भी किया जाएगा। और अमन जब भी किसी को छुट्टी आता था तो वो पैर छू के ही प्रणाम किया करता था। और अभी हम 23 तारीख को दिल्ली समर स्मारक पर हम जाके उसको श्रद्धांजलि भी दिए थे, और जाके उसका नाम भी पढ़े और श्रद्धांजलि भी दिए। अमन को हम बचपन से जानते हैं, और खिलाया हुआ बच्चा था, बहुत बढ़िया, हम खिलाए हुए थे उसको, और वीर गति को प्राप्त हुआ। छोटू भैया, आपका अमन के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, आप कब से जाने? हम लोग बैचलर थे, एक साथ पढ़ाई उढ़ाई किए थे, क्लासमेट था, साथ में भर्ती का तैयारी भी किए थे 3-4 साल। 4 साल से गांव में हम लोग साथ में, सुबह 4 बजे सुबह जाते थे, उधर से 7 बजे रिटर्न आते थे, उसके बाद फिर अपना अपना काम करते थे, फिर शाम को भी जाते थे, सुबह शाम ग्राउंड में जाते थे, फिर तैयारी करते थे, साथ में ही किए थे फौज का तैयारी, साथ में सिलेक्शन भी हुआ था हम दोनों का। चलिए, तो ये था अमन दौर और अमन शहीद अमन सिंह जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बस ये द्वार बना है और एक सड़क भी बनाने की भी बात चल रही है, सब प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगता है, फिलहाल अभी तो द्वार का काम चल रहा है, जल्दी से पूरा काम कंप्लीट भी हो जाएगा, और हो सकता है भविष्य में हम जब कभी यहाँ आएंगे फिर से तो उस टाइम ये हमें कंप्लीट मिलेगा और हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं वो शहीद अमन सिंह जी का घर है, और चलिए बस आपको घर दिखलाते हैं कैसा बना हुआ है, सरकार ने क्या क्या यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दिया है, यहाँ पे वो पूछते हैं, जैसे मान ली किसी घर से कोई शहीद होता है तो सरकार क्या करती है, तो तरफ से वो बात करते हैं, उनके पिताजी से कोशिश करते हैं कुछ ज़्यादा नहीं कुछ उनको छेड़ने का, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर बोल सके तो। बाकी एक झलकी आपको दिखलाते हैं घर का, घर में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। अब है हमारे साथ शहीद अमर कुमार सिंह जी के पिताजी श्री सुधीर कुमार सिंह जी, तो इनसे बात कर करते हैं कि इन्होंने अपना बेटा खोया है तो, और गलवान वैली पे, तो आज के डेट पे ये कैसे महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी कुछ बताइए आप अपने बच्चे के बारे में, और कैसे महसूस होता है आपको ये सारा घटना के बाद? देखिए, हमारा लड़का जो है
देश सेवा में देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए शहीद हुआ है, और इससे गौरव हमें क्या चाहिए। जो देश के लिए लड़का अपना शहीद हो गया, और इससे बड़ा बात हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, यह जो है सो कुछ ऐसा काम है यहाँ पर, जो नेता लोग आकर के यहाँ हमको आकर के मतलब कह गए जो ये काम हम करेंगे, रोड बनवा देंगे, ये करेंगे, शहीद स्मारक बनवा देंगे, हमारे लिए आज तक ये लोग कुछ नहीं किए। बाकी गवर्नमेंट के तरफ से, बिहार गवर्नमेंट के तरफ से नौकरी और जो पैसा कहा था गवर्नमेंट दे दिया है, ठीक है। सरकारी जो सेना की तरफ से है सारा चीज मिल गया है, जो थोड़ा बहुत है मिलने वाला वो भी हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा लड़का को नौकरी भी मिल गया है, हाँ, तो यही बात है। और हम ये महसूस करते हैं जो लड़का हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया है, और हम बहुत ये है। तो छोटा बेटा भी आपके साथ उसी में? हाँ हाँ, फिर 16 बिहार रेजिमेंट में उसका जो है सो हो गया है। हाँ सर, सबसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जहाँ भी आप हैं, जो अपने जिस जगह पे हैं, एक बार फिर से शहीद अमन कुमार सिंह जी के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो शहीद अमन सिंह जी के घर से निकल के अपने घर पे आए हैं, और यहाँ पे मछली का कारोबार चालू हो चुका है। आइए एक बार आपको दिखलाते हैं मछली का शक्ल। एकदम टेस्टी मछली खाने के बाद ऐसे बेड पे लेटा, पता नहीं नींद आ गया और सो गया, और अभी उठा हूँ, अभी 1 बज रहा है, अब निकलने की तैयारी हो रही है, अब निकलेंगे। और यहाँ से हम निकलेंगे तो पहले तक गांव भी चलेंगे 1/2 घंटे के लिए, वहाँ भी उतना काम, जिसको माने जिसको छठ दिया था जो चाची हैं उनसे छठ लेंगे हम लोग, तो सारा सामान वन लेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो उठ गया है, फ्रेश फील कर रहा हूँ, पेट भी भरा हुआ है, तो निकलते निकलते के साथ फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है वहाँ से निकल चुके हैं, जा रहे अब तक गाँव, वहाँ चलते हैं। और बहुत ये गर्मी हो रहा है अभी, और देखिए सब लोग बाय कर रहे हैं वहाँ पे। फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़। बिल्ली बैठी है, और ये मेरे हीरो धर्मेंद्र भैया पहुंच गए यहाँ पे। अरे बाप रे, गुड्डू भैया भी है, बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस पे है मेरे गुड्डू भैया। कौन सब आया सब, ये है मेरे चाचा जी कुबेर, चाचा कुबेर का खजाना। चलिए सेटल डाउन होते हैं, फिर मिलते हैं आराम से। तो ये पीछे मेरा छोटा सा घर है मेरे गाँव का, मेरा गाँव जहाँ मेरे पापा पले बड़े, और ये पीछे छोटा सा घर है हमारा। आइए आपको एक छोटा सा होम टूर देते हैं। तो ये था छोटा सा घर मेरा, और बस ये हमारा होम टूर था, और बस रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से। बाकी लगता दिखाने के तो मैं दिखलाऊंगा आपको निकलने के टाइम में, और बस बने रहिए, थोड़ी देर में फिर निकलना है यहाँ से। अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर घूमने, और यहाँ के जो स्कूल है वो घूमने के लिए, और पीछे जितना जो बच्चा पाड़ी देख रहे हैं, जो धमा चौकड़ी बचाए हुए हैं, वो सब मेरे भगने हैं, भांजे हैं, और मैं उनका चाचा हूँ, मामा हूँ। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है, बहुत साल के बाद मुलाकात हुई है, तो मस्ती हो रही है एक साथ। चलिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको।
पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये इधर सुल्तानपुर गांव चला जाता है, इधर से नीचे और ये इधर पटना जाने के लिए। और पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं ये यहाँ का स्कूल है ये। चलिए एक बार नज़दीक से आपको दिखाते हैं स्कूल कैसा है। अच्छा स्कूल है, जो यहाँ के लोग यहीं पढ़ते हैं, मेरी दीदी है निक्की दी यहीं पढ़ाती है, सरकारी स्कूल है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आइए देखिए यहाँ पर स्कूल कैसा है, गांव का स्कूल। ये जो पीछे आप घाट देख रहे हैं ये सारा घाट जो है बेरी जो मेरा गांव है उस गांव के लोगों का घाट पे यहाँ पे पूरा बना हुआ है ये। तो लोगों ने यहाँ पे किया है छठ और हमने किया नदी किनारे, किया था गंगा नदी किनारे और ये भी गंगा नदी का एक जस्ट हिस्सा है, पार्ट है, तो लोगों ने यहाँ किया था। और अब चलते यहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने गाछी, मतलब जहाँ पे ढेर सारे खेत है, खलिहान है, पेड़ लगे हुए हैं, गाछी उसको बोलते हैं, तो वहाँ लेके चल रहे हैं। और इस रास्ते से हम लोग आए थे पीछे से और आगे से जाएंगे इधर से और इधर से फिर घर चलेंगे। अच्छा लगता है देख के जब कोई गांव तरक्की करता है, खास करके मेरा गांव तरक्की कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तरक्की की एक निशानी तो आप देख चुके हैं, जो सौ मिल था वहाँ पे फैक्ट्री खुल गया है और उससे बड़ा एक निशानी मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे ही छोटे से गांव में डालमेशियन ब्रीड का डॉगी भी है। वाह, यहाँ के लोग ने डालमेशियन रखना शुरू कर दिया है और ये रखा है इस डॉगी को मेरे बड़े भ्रातराशी भैया ने। और ये कहाँ से लेके आए थे? ये आया था बाहर से। कितने के लिए थी ये? 40,000। 40,000 का कुत्ता लिया उन्होंने। एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जिसका मैं बहुत बड़ा ज़बरदस्त फैन हूँ। धोनी ने, जैसा लोगों ने बताया एज़ पर न्यूज़ एज़ पर मीडिया, कि धोनी ने कड़कनाथ मुर्गे का कुछ फार्मिंग किया है, कुछ ये किया है कड़कनाथ मुर्गे का। तो एक कड़कनाथ मुर्गा ये रहा, ये पीछे देखिए ये है कड़कनाथ, एक कड़कनाथ है ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला कड़कनाथ और ये वाइट वाला जस्ट मुर्गा, नॉर्मल मुर्गा जो है। तो भैया जो मेरा गांव है बहुत तरक्की कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब गांव में भी लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, कड़कनाथ मुर्गा देख के तो मुझे मुँह में पानी आ रहा है लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। बस अब यहाँ से भी निकल चुके हैं, 3:30 हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं रुके, 45 मिनट रुके हैं और अब यहाँ से निकल चुके हैं पटना की तरफ, सीधा स्ट्रेट टू पटना। तो चलिए ब्लॉक पटना में ही पहुँचे, एंड करेंगे। तो चलिए जब जैसे आए थे वैसे चल भी रहे हैं, तो अभी जो नज़ारे का मजा लेते रहिए, जाते ही समय देखिए कैसे क्या माहौल था, कल कितना भीड़ था, कितना खाली रहेगा। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए, बहुत भीड़ था रास्ते में, बहुत सारी मूर्तियों का विसर्जन था तो इतना ट्रैफिक था कि मत पूछे, बहुत जाम मिला। कल हम लोग जब गए थे, मतलब पिछले हफ्ते वाले ब्लॉक पे जब हम लोग गए थे तो 3 घंटा लगा था, आज जब लौटे हैं तो 4 घंटा लगा। खैर कोई नहीं, पहुँच गया, पहुँचेगा, सारा प्रसाद जो है अलग अलग किया जा रहा है, सेब अलग, संतरा अलग, ठकुआ अलग, उसमें ठकुआ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ठकुआ है, कोई गुड़ का ठकुआ है, कोई चीनी का ठकुआ है, तो सब अलग किया जा रहा है, 2-3 जगह से है प्रसाद। तो अब पहले वाली बैठ के थोड़ा सा सीधा वालों की कमर का दर्द अभी भी गया नहीं है, अभी हल्का हल्का है। तो चलिए अब व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है दोनों व्लॉग, बट क्या करूँ, कितना भी कट शॉर्ट करूँ जो चीज़ें हैं
दिखानी है उसको कट शॉट नहीं कर सकते क्योंकि वो विधि है, विधि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी कोशिश किया है कि जितना हो सके मैं आपसे शेयर कर सकूँ सारी चीज़ें, कैसे हमारा पर्व सेलिब्रेट होता है, कैसे हम पर्व को मनाते हैं। और यही हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है जिसको हमने बरकरार रखा हुआ है और आगे भी इसको बरकरार रखेंगे। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यहाँ तक देख लिया तो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाए रखने के लिए। फिर बोलूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को बेल आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लीजिए। और यस, आने वाले समय में व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वाले। जैसे मैंने बताया था ना, मेरे साले की शादी है तो अब जो है लगता है कि नेक्स्ट व्लॉग जो है उसी की तैयारी में ही आएगा, बिकॉज दिवाली ख़त्म, छठ भी ख़त्म। तो अब लगता है जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक मैं शादी की जो तैयारियां हैं या शादी का जो भी प्रिपरेशन है सब चल रहा होगा, उसका व्लॉग मैं रिलीज़ कर रहा हूँगा। तो बने रहिएगा और जो साले की शादी का जो व्लॉग है उसको भी इन्जॉय कीजिएगा आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में। चलिए फिर मिलते हैं साले की शादी के व्लॉग में, तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, तसलीदा ने, बाय, गुड नाइट।